हाय दोस्तों, फिर से आप लोग को कुछ छोटा सा वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वाटर लिली टॉपिक है। तो आज आप देख सकते हैं मेरे जो 12 इंच का कुंडी है, मैंने इसमें पानी डाल के लगभग 4-5 महीने के पहले मैंने एक छोटा सा पौधा लाया था, तो उससे बहुत सारे ब्रांचेज भी आ गए। तो आप देख सकते हैं ये जो देख रहे हैं मेरे पास पॉट है, तो ये 12 इंच का पॉट है। मैंने इसमें पॉक का मिट्टी डाला था 20 और पानी डाला था, तो उसमें आसानी से ग्रोथ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं एक पौधा बहुत कुंदा ज़्यादा मोटा हो गया और इससे बहुत सारी ब्रांचेज भी आती है। तो आपको वो वाला दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं छोटा सा ब्रांचेज इसमें आ गई है बहुत सारे। आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांचेज आ गए हैं। तो एक छोटा सा पौधा से मैंने उसको ग्रो किया हूँ, तो बहुत खूबसूरत दिखता है वाटर लिली प्लांट। तो आप भी सोच रहे हैं तो आप भी लगा सकते हैं और आप भी अपनी कुंडी भी लगा सकते हैं, वाटर लिली ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा गार्डन पे लगा हुआ है और एक पॉट पे जो आपको दिखाने वाला हूँ वो वाला, उसमें अभी फ्लावर आ गई है। तो वाटर लिली की सबसे ख़ास बात जो रहता है इसकी ज़्यादा धूप रहने को होना, और ये आउटडोर प्लांट रहता है। आप देख सकते हैं छोटा सा ब्रांचेज इसमें निकला हुआ है, बहुत सारे ब्रांचेज है, तो आप खूबसूरत भी लगता है बहुत सारे लगाने के बाद। इसको आप दूसरा कुंडी पे पॉक के मिट्टी के साथ इसको लगा देना चाहिए, और उसके बाद फिर नए ब्रांचेज आ जाएंगे और ये वाला ग्रोथ हो जाएगा। अब इस गर्मी की मौसम चालू है, अब इस गर्मी के मौसम में वाटर लिली ज़्यादा ग्रोथ होता है, आउटडोर रहता है। आपको दिखाना वाला हूँ जो मैंने पहला वाला जो वाटर लिली मैंने लगाया था, तो उसका कुंडा मैंने निकाला हुआ हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत मोटी कुंडा, और एक कुंडा मोटा होने के बाद बहुत सारे ब्रांचेज में जो छोटा सा प्लांट इसमें ग्रो हो जाता है आसानी से। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए बहुत खूबसूरत है, इसकी पत्ती भी नई नई ब्रांचेज आई है। अब इस गर्मी के मौसम में ज़्यादातर ग्रोथ होने वाला से एक है वाटर लिली, और वाटर लिली कमल कमल दूसरा होता है, ये वाटर लिली है। वाटर लिली के जो पत्ती रहती है वो कटी हुई पत्ती रहती है, और कमल की जो पत्ती रहती है वो गोल शेप में रहता है, और वाटर लिली की कटी हुई पत्ती रहती है। तो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ मेरे पास जो वाटर लिली दूसरा पॉट में लगा है जिसमें फ्लावर आ गया है, तो वो वाला आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें अब फ्लावर खिलने वाला है, तो अब सनलाइट पड़ गई है तो सुबह सुबह खिलता है, जितनी धूप इसमें लगेंगी और इसकी फ्लावर पूरा खुल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें मच्छी भी मैंने डाला था, छोटा छोटा मच्छी आपको दिख रहा है। तो इसकी जो पत्ती की ब्रांचेज बहुत खूबसूरत भी लगता है, और दूसरा फ्लावर भी आ गया है, और छोटे छोटे ब्रांचेज इसमें जो ग्रो होता है तो वो भी आ सकता है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें देखो और एक फ्लावर आई है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने भी इसको छोटा सा गार्डन मैंने बनाया था, उसमें ऐड कर सकते हैं आप, ज़रूर ऐड कर सकते हैं वाटर लिली की प्लांट। वाटर लिली कोई भी नर्सरी से छोटा सा पौधा आपको मिल जाएगा, 50-100 रुपये में छोटा सा पौधा मिलता है, तो उससे आप ग्रो कर सकते हैं। और साथ में मिट्टी भी इसको जो पॉक की मिट्टी है वो ज़्यादा अच्छा होता है और ग्रोथ होता है। अब इस गर्मी के मौसम में आप ज़रूर ये वाला ऐड कर सकते हैं हमारी तरफ से। जो वाला आपको फीस देख रहा है ये मैंने छोटा सा फीस ख़रीद के लाया था, तो इसके नाम है मौली फीस। तो ये ऐसा एक फिश है जो डायरेक्ट बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, तो इसकी यही खासियत है। मैंने ज़्यादातर यही इसको ख़रीद के लेकर के, मैंने इसको छोटा सा था तो मैंने इसको डाला था, और इससे बहुत सारे बच्चे आ गई है और बहुत सारे ब्रांचेज में आ गई है। तो मच्छी डालने की फ़ायदा ये है, तो आपके कुंडी पे जो वाटर लिली रखा हुआ है और भी लुक ला देता है, और भी खूबसूरत लगता है। और इसकी और एक खासियत बात है, मच्छी रहने के बाद जो पानी पे जो मच्छर रहता है, मच्छर इस पे जो लाल भा देता है, तो वो वाला वो खा लेता है, और आपका जो वाटर लिली में जो पानी रहता है तो पानी को शार्प रखता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको हफ्ते में महीने में 2 बार इसको पानी वॉश करता हूँ, और ख़ूबसूरत भी दिख रहा है। आप ज़रूर अपने गार्डन पे, आप आसानी से लग जाता है, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं इतना नहीं है, सिर्फ छोटा सा पौधा ले आना है, कोई भी नर्सरी से आपको मिल जाएगा। उस पौधे को सिर्फ पॉक की मिट्टी उसको ज़रूरत है और पानी बस, और इसमें गर्मी में आउटडोर प्लांट रहता है, और धूप ज़्यादा इसके लिए होना, जितना ज़्यादा धूप लगेगा उतना ज़्यादा ये ग्रोथ होगा। तो ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं, और कुछ बात रहेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी किसी नए वीडियो से। आप देख सकते हैं बहुत
खूबसूरत फ्लावर भी है।